शिल्पा शेट्टी अपने पिता सुरेंद्र शेट्टी के बेहद करीब थी। 11 अक्टूबर 2016 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से शिल्पा के पिता से सुरेंद्र की मौत हो गई थी। वहीं अब शिल्पा ने अपने पितरों का उद्धार करने के लिए श्राद्ध कर्म किया। इस दौरान शिल्पा ने अपने पिता और पितरों की तस्वीर रखकर पूजा की और श्राद्ध का खाना कौवों को खिलाया। Offerings today to our ancestors. सोलह श्राद्ध के इन दिनों में लोग पितरों को स्मरण कर ब्राह्मणों को दान देते हैं और मृत माता पिता का श्राद्ध किया जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है, लेकिन शिल्पा शेट्टी और उनकी बहन शमिता शेट्टी ने बेटे का फर्ज निभाते हुए अपने पिता का श्राद्ध किया। शिल्पा ने 2016 में अपने पिता को खोने के बाद इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट भी लिखा था। शिल्पा ने लिखा था, हमारे पिता हमारे हीरो थे, उन्होंने जाते जाते कई खूबसूरत यादें छोड़ी है। हमारे पारिवारिक चैन की एक कड़ी टूट गई है। भले ही वह हमारे घर से चले गए, लेकिन वे आज भी हमारे दिल में हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप हमेशा एक शानदार पिता, पति और दोस्त रहे हैं। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। शिल्पा अक्सर अपने पिता को याद करते हुए तस्वीरें पोस्ट करती रहती है और लिखती है कि वे अपने पिता के स्माइल को काफी मिस करती है। आपको बता दें, शिल्पा के पिता सुरेंद्र शेट्टी एक बिजनेसमैन थे। वे दवाइयों के लिए वाटरप्रूफ कवर बनाने वाली कंपनी के मालिक थे। हालांकि पिता की मृत्यु के बाद शिल्पा एक बार उनकी वजह से कानूनी पचड़ों में भी फंस चुकी है। दरअसल एक बिजनेसमैन ने शिल्पा, शमिता और उनकी माँ सुनंदा शेट्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। बिजनेसमैन का आरोप है कि शिल्पा के पिता सुरेंद्र शेट्टी ने फरहाद आमरा नामक व्यक्ति से 21 लाख रुपए लोन लिया था। वहीं शिल्पा और उनके परिवार ने इस कर्ज की बात से इनकार कर दिया। शिल्पा ने एक बयान जारी करते हुए कहा था, मेरे पिता के साथ बिजनेस में मैं शामिल नहीं थी, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। शिकायत करने वाला शख्स मीडिया को गुमराह कर रहा है। मैं उसके बारे में केवल इतना जानती हूँ कि वह हमारा कार मैकेनिक है। वहीं शिकायतकर्ता आमरा का कहना है कि सुनंदा और उनकी बेटियां भी इस बिजनेस में पार्टनर थी, इसलिए उन्हें इस लेन देन के बारे में पता था। लेकिन 2016 में सुरेंद्र की मौत हो गई और इसके बाद शेट्टी परिवार ने कर्ज लेने की बात से इनकार कर दिया। खैर, पिता की मृत्यु के बाद शिल्पा अपने बेटी होने का पूरा फर्ज निभा रही है। एंटरटेनमेंट से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।